أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. फ्रेंड्स वारम की रमज़ान दिनियात क्लास के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और सेवेंथ क्लास का ये तीसरा लेक्चर है अजान और इक़ामत के चैप्टर में हमारी क्लासेस चल रही थी और पिछली क्लास में हमने अजान और इक़ामत के ज़ुमले और उन जुमलों की तादाद जुमलों का नंबर पढ़ा था कि अज़ान में अठारह जुमले होते हैं और इक़ामत में सत्रह जुमले होते हैं और वो जुमले कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे आज की हमारी क्लास मसला नंबर नाइन ज़ीरो सिक्स से स्टार्ट होगी मसला नंबर नाइन ज़ीरो सिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है और वो ये कि हमने जो अज़ान और एकामत के जुमले पिछले मसले में नाइन ज़ीरो फ़ाइव में पढ़े उसमें में अशदो अन्ना अलील्ला का तस्करा नहीं था अशदानन्ना मोहम्मद रसूल्ला के बाद हम डायरेक्ट हया सलाद पर चले गए थे और वहाँ पर अषदानन्ना अल व अन्ना वली का अरदुल्ना अलील्ला को हमने अज़ान के अंदर काउंट नहीं किया था जबकि हम, हम हमारी अपनी जो सोच है वो ये है कि अगर हमें ये पता करना होता है कि ये जो अज़ान की आवाज़ आ रही है ये शिया मस्जिद से आ रही है या किसी और मस्जिद से आ रही है तो हम वेट करते हैं और अरदौंना मोहम्मद रसूल के बाद अगर अरदालन्ना अल्लाह की आवाज़ आए तो हम समझ जाते हैं कि ये शिया अज़ान हो रही है और अगर नहीं आए तो हम समझ जाते हैं कि ये शीयों की अज़ान नहीं है किसी और मसल की अज़ान दी जा रही है लेकिन जो हमने अपने सलेबस में और तजी तो मसाइल में अजान पढ़ी उसके अंदर अशद अल्लाह नहीं था तो इसकी क्या वजह है मसला नंबर नाइन ज़ीरो सिक्स इस सवाल का जवाब हमें दे है इसकी वजह ये है कि हमारे फ़िक में भी हमारे हाँ भी शियों के हाँ भी जाफ़री फ़िक में भी अशहद वन्ना अलीनौली ये सेंटेंस अज़ान का पार्ट नहीं है अजान का हिस्सा नहीं है इसका मतलब ये है जब हम कह रहे हैं कि ये अज़ान का पार्ट नहीं है इसका क्या मतलब है अज़ान के पार्ट्स हमारे पास कहाँ से हैं अजान एक इबादत है जो मुस्तहब है हमने पहले मसले में पढ़ा था मुस्तहब काम है एक और जो इबादतें होती हैं वो उनको उनका तरीक़ा हम लोग नहीं बनाते बल्कि उनका तरीक़ा ख़ुदा बयान खुदा हमें बताता है नबी और मासूमी के ज़रिए और फिर वो आज के ज़माने में हम तक मुश्तक के ज़रिए पहुँचता है तो ख़ुदा ने जो नबी और मासूमीन के ज़रिए हमें अज़ान का तरीक़ा बताया और हमें अजान सिखाई और हमें अज़ान देने का ऑर्डर दिया उसके अंदर अशदु अन्ना अलील्ला अज़ान के पार्ट के तौर पे नहीं था और वही नबी और मासूमी नाइम की इमामों का जो बताया हुआ तरीका था वो जब मुस्तिन ने अपनी किताब में लिखा तो एज़ इट इज़ उसको फॉलो किया और अशहद अन्ना अलील्ला को अजान का पार्ट नहीं बताया लेकिन अगर हम अजान के बाद सॉरी अजान के अंदर और इकामत के अंदर अशहद मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अशदुअन्नाली को पढ़ें लेकिन हमारे जहन में ये बात हो कि ये जो मैं अशदुलन्ना वल्ला पढ़ रहा हूँ ये अजान का पार्ट नहीं है बल्कि ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि खुदा मेरे इस अल्फाज से खुश हो जाए ये अजान का पार्ट तो नहीं है लेकिन मेरे ये अल्फाज खुदा को पसंद आ जाए कि मैं मौला की इमाम अली की इमामत की गवाही दे रहा हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसा करना ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ एक प्रॉब्लम कब आ सकती है अगर मैं अन्ना मोहम्मद रसूल्ला के बाद अशदौन्ना अली को पढ़ूँ और मैं ये सोचते हुए पढ़ूँ ये समझते हुए पढ़ूँ अपने दिमाग में ये बात रखते हुए पढ़ूँ कि ये अरदिन वली अज़ान का पार्ट है अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ये वही चीज़ हो जाएगी जिसको हमने फ़र्स्ट क्लास में कहा था कि जिसे हम बदत कहते हैं कि एक चीज़ दीन का पार्ट नहीं है हम उसे दीन का पार्ट बना रहे हैं दीन में जो अल्लाह ताला ने अजान हमें कहने का ऑर्डर दिया उस अजान का पार्ट अशद आलिय वली नहीं था मैं उसको इस जुमले को अषदिनला के जुमले को अरद आलिय वली के जुमले को जब मैं तो अजान का पार्ट बनाते हुए और अजान का जुज् बनाते हुए पढ़ूँगा तो मैं दीन में वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो दीन का हिस्सा नहीं है तो ये हो जाएगी बेदत और बेदत एक गुना का गुना है और हराम काम है और उसकी हमें इजाज़त नहीं है तो अब तक की बात को अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो ये बनेगी कि अशहदीन वलियाल्ला पार्ट ऑफ़ अज़ान नहीं है पार्ट ऑफ़ एक नहीं है अगर मैं इसको अजान का पार्ट और हिस्सा समझते हुए पढूंगा तो मैं अजान का हिस्सा एक ऐसी चीज़ को बना रहा हूँ जिसे खुदा ने अजान का हिस्सा नहीं बनाया तो ये बिदत हो जाएगी गुना हो जाएगा लेकिन अगर मैं अरदौन्ना मोहम्मद रसूल के बाद अशदौन्ना वल्ला पढ़ूँ लेकिन मैं इस बात को समझते हुए और जानते हुए पढ़ूँ कि ये अजान का हिस्सा नहीं है अजान का पार्ट नहीं है लेकिन मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे ये जुमला पढ़ने से मेरी इमाम अली की इमामत की गवाही देने से अल्लाह ताला खुश हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है और ये काम करना इस काम करने की हमें इजाज़त है ये काम करना अच्छा काम है मसला आप में पढ़ रहा हूँ मसला नंबर नाइन ज़ीरो सिक्स अशदो अन्ना अलील्ला अजान और इकामत का जुज नहीं है जुज नहीं है का मतलब होता है उसका पार्ट नहीं है लेकिन अगर अशहदानन्ना मोहम्मद रसूल के बाद रबत की नीयत से कहा जाए तो अच्छा है। हैुर्बत की नीयत से कहा जाए का मतलब ये है कि मैं इस बात को अपने जहन में रखूँ कि ये अशदअन्ना वल्ला वाला सेंटेंस इकामत का पार्ट नहीं है लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि मेरा ये जुमला अदा करने से खुदा खुश हो जाए मैं खुदा के मज़ीद करीब हो जाऊँ कैसे खुदा खुश होगा और कैसे मैं खुदा के करीब हूँगा क्योंकि मैं इमाम अली की इमामत की गवाही दे रहा हूँ जिसे खुदा ने खुदा ने मेरे लिए ज़रूरी करार दिया है कि मैं इमाम अली को अपना इमाम मानूँ तो मैं इमाम अली को अपना इमाम मान रहा हूँ और उसकी गवाही दे रहा हूँ तो इस बात से खुदा खुश हो जाएगा अगरचे ये मैं ये जानता हूँ कि यह पार्ट ऑफ़ अजान नहीं है तो ये इस सूरत में ये जुमला पढ़ना अच्छा काम होगा और बिदत भी नहीं होगी और गुनाह भी नहीं होगा इसके बाद हमारे सिलेबस में जो चीज़ आ रही है वो है अजान और इकामत का तर्जुमा इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है जो अजान और इकामत के जुमले थे जो फ्रेज़िस थे उनको लिखा है और उनके तर्जुमे को लिखा गया है हमारे सलेबस में हमारी बुक में तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ पहला जो हमारा फ्रेज़ था अल्लाह पर इसका तर्जुमा क्या है खुदा तला इससे बुजुर्गतर तर है कि उसकी तारीफ़ की जाए इससे तज़र्ग तर यानी इससे ज़्यादा बड़ा है कि हम उसकी तारीफ़ करें वो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा है कि हम उसकी तारीफ़ ही नहीं कर सकते हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते दूसरा फ्रेज़ हमारे पास क्या है अशहद इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब क्या है यानी मैं गवाही देता हूँ यकता और बेमिसल अल्लाह के अलावा कोई और परस्तिश के काबिल नहींता और बेमिसल यानी जो एक अकेला हो मैं ये गवाही देता हूँ कि जो एक और अकेला अल्लाह है एक और अकेला अल्लाह है जिस जिसके जैसा कोई भी नहीं है उस अल्लाह के अलावा कोई और परस्तिश के काबिल नहीं परस्तिश का मतलब होता है इबादत कोई इस काबिल ही नहीं कि उसकी इबादत की जाए सिवाय उस अकेले अल्लाह के जिस अल्लाह जैसा कोई नहीं सिर्फ वो इस काबिल है कि लोग उसकी इबादत करें अगला जुमला अशहद अन्ना मोहम्मद रसूल इसका मतलब क्या है यानी मैं गवाही देता हूँ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और इसी की तरफ़ से भेजे हुए हैं मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ख़ुदा के पैगंबर पैगंबर का मतलब होता है जो खुदा की तरफ से जैसे बोल खुदा की तरफ से मैसेज लेकर आए मैसेंजर जिसे बोलते हैं तो वो खुदा का मैसेज लेकर आते हैं और खुदाई की तरफ से भेजे हुए किसी और की तो वो अपनी तरफ से नहीं है ये मैसेजेस हमें बयान कर रहे होते जो भी वो हमें चीज़ों बातें बताते हैं वो अपनी तरफ़ से नहीं बता रहे होते वो ख़ुदा की तरफ़ से बता रहे होते मैं इस बात की गवाही देता हूँ और गवाही देता हूँ का मतलब क्या होता है यानी मैं इस बात को अपने दिल से मानता हूँ मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ अगला फ्रेज़ है अशहद अन्ना अलिय वली अगेन ये फ्रेज़ अज़ान का हिस्सा नहीं है लेकिन ये हम पढ़ते हैं कुर्बतन पुर्बत, अलल खुदा को खुश करने के लिए कि यह बात की जब मैं गवाही दूंगा तो खुदा खुश हो जाएगा यानी मैं गवाही देता हूँ कि हजरत अलैहिस्सलाम मोमिनों के अमीर और तमाम मखलूक पर मखलूक़ पर अल्लाह के वली हैं ये इस बात की मैं गवाही देता हूँ मैं इस बात को मानता हूँ मैं इस बात का इकरार करता हूँ किस बात का कि हजरत अली सलाम सारे मोमिनों के अमीर हैं अमीर हैं यानी उनके सरदार हैं उनके उनके ऊपर बादशाह हैं और सारी तमाम मखलूक पर तमाम मखलूक पर तमाम लोगों पर अल्लाह के वली हैं खुदा के वली हैं यानी खुदा की तरफ़ से इन्हें तमाम लोगों के ऊपर अथॉरिटी दी गई है खुदा की तरफ़ से इन्हें भेजा गया है ताकि ये तमाम लोगों के ऊपर रूल करें तमाम लोगों की सरबराही करें अगला जुमला हमारे पास है हैया आल फ़ला इसका मतलब क्या होता है यानी नमाज की तरफ़ जल्दी करो जल्दी जल्दी से आओ नमाज़ की तरफ उसके बाद है हैया आल फ़लाह इसका मतलब क्या होता है यानी कामयाबी के लिए जल्दी करो फलाह का मतलब होता है कामयाबी हैया हया फलाह कामयाबी के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए जल्दी से आओ उसके बाद है हया अला अमल इसका मतलब है यानी बेहतरीन काम के लिए जो नमाज है जल्दी करो यानी इन तीन जुमलों में अजान देने वाला नमाज के लिए लोगों को बुला रहे और एक दफ़ा कह रहे हैं जल्दी से आओ नमाज़ पढ़ लो फिर कह रहे है, जल्दी से आओ और अपनी कामयाबी हासिल कर लो इसका मतलब क्या है यानि ये नमाज़ पढ़ोगे और अच्छी तरह से नमाज पढ़ोगे जैसे खुदा चाहता है तो तुम कामयाबी तक पहुँच जाओगे और फिर कहते हैं जल्दी से आओ और जो बेहतरीन काम है उसे कर लो अगेन इसका मतलब क्या है कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे और सही तरह से पढ़ोगे उन सारी शराइ के साथ उन सारी बातों का ख्याल रखते हुए पढ़ोगे जो खुदा ने कहा कही हैं तो ये नमाज़ पढ़ना बेहतरीन अमल है सबसे अच्छा काम है और उसके बाद अकामत में जो जुमला है अजान में नहीं है लेकिन अकामत में है कदका सलाह इसका मतलब क्या है? हो हो goalaya, होता है यानी बे नमाज कायम हो गई बे तहकीक़ नमाज कायम हो गई का मतलब है होता है यानी कि नमाज कायम हो गई नमाज स्टार्ट होने लगी है क़ामत सलात नमाज खड़ी हो गई है और अब नमाज शुरू हो जाएगी नमाज खड़ी हो गई है यानी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो चुके हैं और अब नमाज़ शुरू हो जाएगी इसीलिए जब एक में ये वाला फ्रेज़ पढ़ते हैं पेश इमाम तो सारे लोग पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये लास्ट कॉल होती है कि अब नमाज स्टार्ट होने लगी है अब आप लोग सब जिस जिसको नमाज पढ़नी है वो आके शामिल हो जाए और इसके बाद ला ला आखिर में हम रिपीट करते हैं दो दफ़ा आज़ाद में और एक दफ़ा पढ़ते हैं एक आमत में उसका क्या मतलब है यानी यकता और बेमिसल अल्लाह के अलावा कोई परस्तश के लायक नहीं ये हमें स्टार्ट में भी अशद अल्लाह गुजरी थी यहाँ पे अकेला ला कि यकता और बेमिसल अल्लाह के अलावा यानी उस अल्लाह के अलावा जो अकेला है जिसके जैसा कोई भी नहीं उस अल्लाह के अलावा कोई इस लाइक नहीं कि उसकी परस्तिश और इबादत की जाए सिर्फ़ खुदा ऐसा है जिसकी इबादत की जा सकती है उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती ये अजान और इकामत का तर्जुमा मुकम्मल हो गया और हमारा जो पहला टॉपिक था सलेबस का अजान और इकामत वो सलेबस भी वो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इन कल के दर्श क्लास में हम एक दूसरे चैप दूसरे टॉपिक से बात का स्टार्ट करेंगे अलहदुल्ल रबालमी